तरीके से मध्य प्रदेश में अंडे पर महाभारत छिड़ गई है। जी हाँ, मिड डे मील में बच्चों को अंडे परोसने पर सरकार विचार कर रही है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश में कुपोषण के मामले में वो वैसे ही बदनाम है। एमपी की मंत्री ने अब अंडों को शाकाहारी बताते हुए इसे मिड डे मील का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया, तो वहीं विपक्ष ने इसे हिंदू धर्म पर आघात बताकर विरोध के लिए कमर कस ली है। मतलब अंडे पर अड़ंगे पर संग्राम तेज हो गया है। एमपी में अंडों पर सियासी बवाल, मिड डे मील में उबले अंडों पर उबाल, कुपोषण भगाने के लिए रामबाण है अंडा। या ये है राजनीति का नया फंडा। एमपी में इन दिनों अंडा पॉलिटिक्स जमकर चल रही है। 2016 तक देश में कुपोषण में नंबर वन रहने की तोहमत के बाद अंडों को लेकर हो रही कोशिशें सियासी बवंडर में फंस गई हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक की आंगनवाड़ियों में जाने वाले बच्चों के पोषण आहार में उन्हें अंडा देने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि कुपोषित बच्चे या गर्भवती माँ को अगर अंडा खिलाया जाए तो उनका कुपोषण दूर होता है, बच्चा तंदुरुस्त होता है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री का मानना है कि जिन क्षेत्रों में बच्चे कुपोषित हैं वहां अंडे दिए जाएंगे और अंडा मांसाहारी नहीं शाकाहारी होता है। नहीं नहीं, सब जगह होगा और जहाँ जिस ब्लॉक में हमारे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं तो उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर हो, तो इसके लिए जो भी चीज़ अगर हमें अच्छी बताई जाएंगी, डॉक्टर अच्छी बताएंगे, उन चीज़ों हम बच्चों को देंगे, अपने बच्चों को जल्दी नहीं। और उनके हमने बताया ना, उनके कहने से कहा होता है, वे जाके होटलों में देखो, वैसे तो अंडा मतलब अपने सादा शाकाहारी है और अंडा कोई नॉन वेज में नहीं जाता। दरअसल मध्य प्रदेश 2016 तक देश के सबसे कुपोषित राज्य के तौर पर माना जाता था। 2019 में भी मध्य प्रदेश देश के 3 सबसे कुपोषित राज्यों में से एक है। ऐसे में सरकार ने मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन का बेहद जरूरी स्रोत समझे जाने वाले अंडों को आंगनवाड़ियों में बांटने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में 97,000 आंगनवाड़ियां हैं, इनमें करीब 70,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। ट्राइबल इलाकों में 23,000 आंगनवाड़ियां हैं। सरकार की मंशा इन्हीं इलाकों के 18,00,000 बच्चों को अंडे बांटने की है। महिला और बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच 57,000 बच्चों ने कुपोषण के चलते दम तोड़ा। औसतन आंकड़ा हर दिन 78 बच्चों की मौत का है। पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 42.8% कुपोषित बच्चे मौजूद हैं। मतलब 45,00,000 बच्चे यहां कुपोषण का शिकार हैं। जाहिर है 45,00,000 से ज्यादा बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। यही वजह है कि सरकार ने अंडे बांटने का निर्णय लिया है और इसका स्वागत कई विशेषज्ञ भी करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो कुपोषण की स्थिति है उस नजरिए से बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत है वो प्राकृतिक स्रोत से पूरी की जाए, और अंडा उस नजरिए से एक अपने आप में एक संपूर्ण आहार माना जाता है। उसमें विटामिन सी को छोड़ दें तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है और बहुत अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन भी है जो कुपोषण से निपटने के लिए अभी आज के